के काम करने वाले अरिबा टिकट मिला है, क्या कहेंगी? सब लोगों के लिए बड़ा सब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगी आज इस मौके पर? जी, मैं सब लोगों से यही मेरी गुजारिश भी है, और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और पापा की मेहनत और कांग्रेस कमेटी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि टिकट दिया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी। और हमारा मेन मोटिव ही यही रहेगा कि एरिया में आज तक जो नहीं हो पाया वो हो सके, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वी ब्रिंग अ चेंज दैट ओखला हैज नेवर सीन। देखिए, चेंजेस में ऑफ कोर्स द बेसिक एमिनिटीज दैट पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ, जो यहाँ के लोगों को जो आम चीज़ें आज तक वही मसले इश्यूज फेस कर रहे हैं कि सड़क के मसले, नाली के मसले, कूड़े के मसले, इतने नीडर्स आके जा चुके हैं, किसी से ये बेसिक काम नहीं हो पाए हैं। आगे के काम करना तो बहुत दूर की बात है बाकी लोगों के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उनको अवेल करवाएं। उसमें कोई ब्लूप्रिंट आपका जैसे क्या? जी बिल्कुल, सब कुछ क्या होंगे? सॉरी, प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज क्लेनलीनेस प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहली बात। औरतों के लिए जितना हम और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए जितना हो सकेगा हम वो करेंगे। एंड आई लेट यू नो मोर। ये जो गार्बेज डंप है, जो अल्शिफा ऑफकोर्स यस, ये आर्ट, जी जी, उस पर पूरा काम किया जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी हैव मेजर प्लान्स कमिंग अप फॉर दैट। इंशाल्लाह अगर मैं जीतती हूँ तो ये काम आगे होगा। आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी हैं जी, उसको लेके क्या कहेंगी? कमाल की बात है, अच्छी बात है, दी हैं 10 गारंटियां। आई होप वो ना जीते तब भी ये गारंटियां पूरी कर दें। एंड अगर हम जीते या नहीं भी जीते तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा यहाँ के लिए बहुत काम किया है। मुझे लगता है आज ओखला जिस कंडीशन में है, जितना डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे वालिद साहब का उसमें बहुत रोल रहा है। एंड मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर सकूं। आप अरिबा खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप फर्स्ट टाइम इस राजनीति में आप आई हैं, तो क्या कुछ मतलब कुछ अलग लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे और इस बारे में? फर्स्ट टाइम खुद आई हूं, लेकिन ऑफ कोर्स आई बीन ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ माय फादर, एंड मैंने उनको देखा है, बचपन से देखती आ रही हूं, जिस तरह उन्होंने मेहनत करी है दिलो जान से, खून पसीना एक करके, जेल जाके, लड़ाइयाँ लड़के, यहाँ की आवाम के लिए हर कोशिश करी, उनकी आसानी के लिए हर चीज़ करी। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए जितना किया है, मैं भी उतना या उससे ज़्यादा करूँ। अगर अरिबा खान जीतती हैं इस वार्ड से, तो पहला काम क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? पहला काम बिल्कुल सफाई के ऊपर हमारा सारा फोकस रहेगा। जो यहाँ पे गार्बेज डंप्स बना रखे हैं, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है कि कब उठाना है कब नहीं उठाना है, पूरे अंदर के जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे कहीं पे भी गार्बेज डंप का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी तरह से भी, इसलिए पीपल आर कंपेल टू यू नो थ्रो द डंप एनीवेयर। उनको कूड़ा उठा के बस फेंकना है घर से बाहर, वो कहीं भी फेंक देते हैं, क्योंकि कोई तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है यहाँ पे। अगर हम तरीके से उन चीज़ों को ठीक करेंगे, मेरे ख्याल से पहला हमारा स्टेप सफाई के ऊपर ही रहेगा। आसिफ मोहम्मद खान साहब भी हैं। आसिफ साहब, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? आज बेटी को ट्रेनिंग दे दी लग रहा है। ये वो और समझदार भी है और बोल्ड भी है, जो एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है कि ये कई दिन पहले से उनका फैसला था कि आप अरिबा को लड़ाइए, और आज लिस्ट में नाम अरिबा का उन्होंने डाला भी है। तो देखिए, मुझे तो ओखला की जनता पे हमेशा इतना यकीन रहा है कि मुझे कहीं पे भी अल्लाह, कभी मैंने जो आम लोग हैं, आम जन हैं जामिया नगर के, हमेशा उनका प्यार मोहब्बत मुझे मिलता रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बेटी को भी उसी तरह से नवाजेंगे। और जब मैं जेल से, शायद 2002 की बात है, जब मैं जीता था तो ये 7 साल की थी, और इसको ब्लड से भी शाहीन बाग में तोला गया था, एक तराजू में बिठा कर। उस टाइम पे गुजरात के दंगा हुए हुए थे, वहाँ पर
ब्लड की ज़रूरत थी तो एक ब्लड बैंक ने यहाँ कैंप लगाया था, तो अरीबा के वज़न की बराबर शाहीनबाग के लोगों ने ब्लड दिया था। तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी जो इस वार्ड के 188 के जो आवाम हैं उनका भरपूर प्यार मिलेगा, इसमें मुझे कोई डाउट और शक की बात ही नहीं है। आसिफ भाई, क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं 5 साल के अंदर, क्योंकि आप यहाँ के विधायक रहे? हाँ, मैं तो काउंसलर भी रहा और विधायक भी रहा, और मैं जहाँ से काउंसलर रहा हूँ आप 3-3 वार्ड हैं। और देखिए, ये तो जनता ही बता पाएगी कि पहले में मेरे टाइम में और अब में क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कॉरपोरेशन में काम करने का बहुत बहुत ज़्यादा आपको स्कोप नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद जितना भी हर मेरा तजर्बा इतना है कॉरपोरेशन के और दिल्ली सरकार के लिए कि उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह, और उसका जो फ़ायदा है वो मेरी बेटी को मिलेगा। और जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में ये कूड़ा नाम की जो आप जो आम चर्चा है तमाम चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, ये तो मैं देखो बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। जो रहमानी साहब की मस्जिद गया आगे है, अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़ों के पहाड़ बने हुए हैं, है ना, जिनका अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी के काउंसलर उनका, एमएलए उनका, और वो बीजेपी पे ठीकरा फोड़ते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको कूड़ा नाम की तो सड़क पे कहीं चीज़ मिलेगी नहीं, ये तो मैं देखिए दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वहाँ काउंसलर का बजट की बड़ी लिमिटेशन है, और इसलिए फिर भी जितना बेहतर से बेहतर होगा, मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है, जो मेरा मैं एमएलए रहा काउंसलर रहा, उसका भरपूर इस्तेमाल मेरी बेटी करेगी और मेरे उन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करेगी, और इंशाल्लाह एरिया को राहत ही मिलेगी इंशाल्लाह। मैं इतना देखिए, ना तो हम बिल्डर हैं, ना डिस्प्यूटेड प्लॉट खरीद रहे हैं, ना पुलिस की दलाली करते हैं, पुलिस की इतनी आतंक है पूरे ओखला हलके में, है ना, कम से कम उन पर तो कहीं ना कहीं अंकुश हम लोग लगाएंगे ही, है ना। तो ये तो आप देखिए, कल सुबह नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद जो है वो देखते हैं। लेकिन मुझे मैं ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जब कभी ऐसे हालात पैदा हुए कि हम हारे भी हैं, लेकिन हारने के बावजूद भी लोगों का प्यार हमारे साथ बदस्तूर जारी रहा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वही प्यार मेरी बेटी को भी यहाँ की जनता देगी, और इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर किसी हद तक खरी भी उतरेगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, पूरा यकीन के साथ, क्योंकि हमारा काम कोई, हम कोई बिल्डर नहीं है। देखिए, इस एरिया का सत्यानाश ही जब हुआ जब बिल्डर लॉबी जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए, जब बिल्डर डिसाइड करने लगे कौन हारेगा कौन जीतेगा, और बिल्डर ही यहाँ के नुमाइंदे बन जाएं, ये एक इस एरिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है। क्योंकि बिल्डर ना तो ब्यूरोक्रेट से लड़ सकता है, ना पुलिस से लड़ सकता है, क्योंकि वो तो अपनी छतें डालेगा, अपनी मल्टी स्टोरीज बनाएगा। ना तो हम बिल्डर हैं, ना हम कॉलोनाइजर हैं, हम तो हमेशा से जनता के हितेशी रहे और जनता के हकूक की लड़ाई लड़ते रहे। अब उसका इस्तेमाल हमारी बेटी कॉरपोरेशन के एक नुमाइंदे की हैसियत से इंशाल्लाह करेगी, मुझे पूरा यकीन है। कि मैं देखिए पूरा मैं ये तो नहीं कह रहा, और अब अल्लाह से तौबा भी करनी चाहिए, ना मैं कोई किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, चाहे पूरा ओखला हल्का हो, हमेशा से उसने मुझे प्यार में कभी कमी नहीं। चाहे एक बार को कई बार ऐसे भी हुए कि हम इलेक्शन लूज करें, लेकिन उनकी प्यार और मोहब्बत तो मेरे साथ बदस्तूर रही है, और इस बार फिर यहाँ की जनता वोट और प्यार और मोहब्बत सब चीज़ों से नवाजेगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। आसिफ भाई, कैसे हुआ आपके पैर में इस तरह की जो चीज़ें? देखिए, हाँ, मेरे पैर में फ्रैक्चर है। मैं एक बच्चा जो था, वो छोटी सी उम्र का बच्चा, जिग जैग करता हुआ मोटरसाइकिल चलाता हुआ मेरे सामने आ गया। मैं स्कूटर से बहुत स्लो जा रहा था, मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए ब्रेक लगाए और स्कूटर मेरे पैर पे ही गिर गया, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी एक इंजरी आ गई। अच्छा, इसी इलाके में बड़ा बड़ा एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, बड़ा एजेंडा तो देखिए कई चीज़ें हैं जो पुलिस का इस एरिया में जो रवैया है, जब मैं काउंसलर या एमएलए रहा उस टाइम और आज के टाइम में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। पुलिस ने आतंक काट रखा पूरे एरिया में, नंबर वन। दूसरा देखिए, कूड़ों के अंबार लगे हुए, आप जगह जगह देखिए कि अलशिफा हॉस्पिटल के सामने देखिए, आप रहमानी साहब की मस्जिद के साथ देखिए। मैं बहुत ज़्यादा तो किसी को नहीं कह रहा, लेकिन ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड, और मैं आपसे चाहूँगा कि
एक महीने के अंदर ये मेरा इंटरव्यू आप दिखाइएगा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये कूड़ेदान, देखिए ये लोग मिसगाइड करते हैं जनता को, हम चाहे अमानतुल्ला हो चाहे वाजिद हो, ये कहते हैं साहब कूड़ेदान की जगह नहीं मिल रही। अरे कूड़ेदान में कोई खंदक नहीं होगी, कोई टनल नहीं होगा, जो कूड़ा उसके अंदर चला जाएगा, मुद्दा कूड़ा उठना है। मैं भी काउंसलर रहा, एमएलए रहा, तब तो ये कूड़े के अंबार नहीं रहे, ये साल दो तीन साल के अंदर ये अंबार कहाँ से पैदा हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा आवाज़ को रिकॉर्ड में अपने रखिएगा, मेरा इंटरव्यू, और एक महीने बाद ये इंटरव्यू दिखाइएगा, इंशाल्लाह आपको चाहे अलशिफा हॉस्पिटल हो, चाहे रहमानी साहब के मस्जिद के 8 नंबर ठोकर हो, यहाँ कूड़े नाम के आपको देखने को कोई एक ट्रक कूड़ा नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जितने सफाई कर्मचारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई कर्मचारी नहीं मिलते अनऑथराइज में, जितने मिलते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, पुलिस की जातियों को रोकने की कोशिश करेंगे, और जितना भी हो सकता है, जितना भी देखिए कॉरपोरेशन के जरिए, जैसे फॉगिंग का है, डेंगू है, मलेरिया है, दुनिया भर के मसाइल हैं, जो भी कॉरपोरेशन के दायरे में आते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल मेरी बेटी मेरे तजर्बे से करेगी, मैं उसको गाइड करूंगा, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करूंगा और उसका भरपूर इस्तेमाल हम करेंगे। खास तौर से जो दो तीन जगह कूड़ों के अंबार पड़े हुए हैं, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या एक शाहीनबाग का कूड़ेदान खत्म होगा यहाँ से? खत्म की बात नहीं है, देखिए रेगुलर टीमें उठेगा कूड़ा, ये मैं आपसे बिल्कुल चैलेंजिंग मेरा जॉब होगा, मेरे लिए ये चैलेंज होगा। बेटी कॉर्पोरेशन में पहुंचती है तो ये अब बेटी अरीबा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चैलेंज होगा कि जो कूड़े के अंबार बने हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, इनको बिल्कुल जड़ से, कूड़ा तो डलेगा कहीं तो डलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कई कई 100 डंपर एक जगह खड़े हो जाएं और एरिए में लोगों का निकलना पड़ना भारी हो जाए। केजरीवाल जी ने तो 10 गारंटी दे दी और वो लगातार, देखिए मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर था, इंडिपेंडेंट एमएलए था, और जब मैं कांग्रेस में बना तब कांग्रेस पावर में जा चुकी थी, क्या ये दोनों अंबार थे कूड़े के? आप बता दीजिए, काउंसलर इनका, एमएलए इनका, जहाँ एमएलए था तो लोगों ने ये अब वाजिद ये मुद्दा लेकर आए थे, ये मुद्दा लेकर आए थे कि साहब हमें, हम अगर आप एमएलए के साथ साथ काउंसलर को